हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुप धीमान। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में वीडियो नंबर 3 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स को लेकर। तो आज हम लोग दो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज जेनेटिक्स, एंड सेकेंड वन, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स इज व्हाट? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इट मीन्स दैट जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग दो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हेरिडिटी एंड सेकेंड वन इज वेरिएशंस। अब देखो, ऐसे समझते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाई जूलॉजी के बारे में सबने सुना होगा। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स। एंड बॉटनी के बारे में भी सबने सुना होगा। बॉटनी इज व्हाट? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट। जेनेटिक्स भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में। अब हेरिडिटी क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, एक बार और बता देते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन होना कैरेक्टर का, इसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। और वेरिएशन क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चेंजेस आते हैं, उनको हम लोग वेरिएशंस कहते हैं। आगे देखते हैं, लिखा है प्रोफेसर ग्रेजर जॉन मेंडेल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो अगर कोई आपसे पूछता है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे ग्रेजर जॉन मेंडेल वॉज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हु स्टडी अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ग्रेजर जॉन मेंडेल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर के बारे में स्टडी की थी। इससे पहले किसी ने भी कैरेक्टर ट्रांसमिशन के बारे में कभी कोई स्टडी नहीं की थी, इसीलिए ग्रेजर जॉन मेंडेल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्लियर है? तो यहां से दो क्वेश्चन आज हमने कवर किए हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज जेनेटिक्स, तो क्या लिखेंगे आप लोग? आप लोग बताएंगे जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड द वेरिएशंस। एंड अगर कोई आपसे पूछता है इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स में आप बताएंगे ग्रेजर जॉन मेंडेल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर है? तो आज हमारे दो क्वेश्चन और। स्टूडेंट, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें, वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।